नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पपाया क्रॉप के बारे में। पपाया फ्रूट क्रॉप को आज हम डिस्कस करेंगे। हमने मैंगो पढ़ा, बनाना पढ़ा, अब पपाया पढ़ेंगे जल्दी से। अब ये जो फॉर्मेट है ना पीपीटी वाला, ये एक आध क्रॉप के लिए और यूज़ करूंगा, उसके बाद सीधा जो अपना तरीका है जो पहले पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाऊंगा। एक्चुअली होता क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मेट आपको लिए लेके आया हूँ। इसमें भी सिर्फ पॉइंट है कि मुझसे कोई पॉइंट स्किप ना हो, इस वजह से सारे ये पॉइंट मैंने लिख लिए जो अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, आगे जो हम क्रॉप पढ़ेंगे ना, उसको हम अपने ही अंदाज में जैसे हम पढ़ते हैं बोर्ड पर लिख लिख के सारा वैसे ही पढ़ाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे सारा कि बोर्ड पपाया की बात करेंगे, ठीक है। पपाया जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो हेल्थ पर्पज से काफ़ी यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो है गर्ल्स लोग इसका, ये जो आप देख रहे हैं ना मीजोकार्प जिसको हम खाते हैं, इसको जो है गर्ल्स लोग पूरा घोल के ना चेहरे पर लगाती है, जिससे क्या होता है त्वचा काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, ठीक है। और भी इसका यूज़ है, ठीक है। इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं ड्यूरेटिक यूज़ होता है, मतलब कि जब हमें जब बाथरूम नहीं आती है, जब हमारा जो मूत्र जो है सही तरीके से नहीं निकल पाता है, तो इसे खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। हार्ट स्टिमुलेट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, हमारा हार्ट अच्छे से काम करे उसके लिए भी इसका इस्तेमाल इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी इसका जो पेपेन निकलता है ना, इसमें पेपेन निकलता है, कच्चा दूध निकलता है, उसका इस्तेमाल जो पेट के जो रोग होते हैं, हमारे जो स्टमक के जो डिजीज़ होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो मेडिसिनल भी काफी अच्छा यूज है इसका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इसके बॉटनिकल नेम वानस्पतिक नाम की। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है बच्चों, ये तो बेसिक चीजें हैं जो हर क्रॉप में आपको पढ़ना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे बॉटनिकल नेम, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, केरिका पपाया। केरिका पपाया, ठीक है। केरिका पपाया, ये इसका क्या है वानस्पतिक नाम है, बोटनिकल नेम है केरिका पपाया, मतलब केरिका पपाया बोल सकते हैं कि एक नाम है लड़की का केरी, और उसके पापा घर आए तो बोलेगी, तीसरा व्यक्ति क्या बोलेगा कि केरी के पापाया, केरी का पपाया, ठीक है। कॉमन नेम, मैं कॉमन नेम बोलूँ या फेमस नेम बोलूँ, इसको और क्या बोला जाता है, कॉमन नेम बोलो या फेमस नेम, इसको और क्या बोला जाता है, कॉमन नेम या फेमस नेम। कॉमन नेम और फेमस नेम की बात करें तो इसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मेलोन ट्री, क्या बोला जाता है मेलोन ट्री, ठीक है, मेलोन ट्री इसे बोला जाता है, मेलोन ट्री इसे बोला जाता है। मेलोन ट्री के अलावा पपायो को और भी नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट फ्रूट भी बोलते हैं, नाश्ते का फल, क्या बोलते हैं नाश्ते का फल भी इसे कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको ब्रेकफास्ट, उसके अलावा बैकयार्ड फ्रूट भी कहते हैं, बैकयार्ड मतलब बाड़े का, बाड़े का फल भी बोलते हैं, जिसे घर के पीछे लगाते हैं ना, बैकयार्ड मतलब जैसे हमारा घर है, घर के पीछे खाली जगह जिसको हम बाड़ा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बैकयार्ड बोलते हैं, वहां पर इसको लगाया जाता है, इसलिए इसको बैकयार्ड फ्रूट या बाड़े का फल भी कहा जाता है। ये नाम है मेलोन ट्री, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेलोन ट्री से ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेलोन ट्री किस फ्रूट को कहा जाता है, तो पपाया को मेलोन ट्री कहा जाता है। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन मोस्ट ऑफ दी अगर आपको नहीं समझ में आए ना, तो सीधा ट्रॉपिकल अमेरिका लगाना, ठीक है। जब आपको नहीं पता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दो है, साउथ ईस्ट एशिया या फिर ट्रॉपिकल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया या ट्रॉपिकल अमेरिका, मोस्ट ऑफ दी जो है फ्रूट यहीं से ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो है ओरिजिन है वो क्या है, ट्रॉपिकल अमेरिका बोलो, ट्रॉपिकल अमेरिका, या मैं बोल दूं मेक्सिको, ठीक है, या मैं बोल दूं क्या मेक्सिको, ठीक है, मेक्सिको, ट्रॉपिकल अमेरिका बोले या मेक्सिको, जो है इसका क्या है ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान इसका कहां है, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा, ओके ठीक, अब ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ है, ट्रॉपिकल अमेरिका या मेक्सिको इसका ओरिजिन है। क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, गुणसूत्र संख्या की, तो इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है 2n = 18, 18 होती है। अब यहाँ पे 18 क्रोमोसोम नंबर और भी किसके हैं, आप यहीं पे याद कर सकते हो, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट नींबू वर्गीय, ठीक है, नींबू वाले, उसमें जितने भी हमारी कॉल क्रॉप है, ठीक है, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, केबेज हो गया, गांठ गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, उनमें 18 होते हैं। पोमग्रेनेट जो है, पोमग्रेनेट उसमें 18 होते हैं, पोमग्रेनेट उसमें 18 होते हैं, और किसमें 18 होते हैं,
सिट्रस फ्रूट हो गया, कोल क्रॉप हो गया, पोमग्रेनेट, ऑलमोस्ट इनमें जो है क्या होते हैं 18 क्रोमोसोम नंबर होते हैं और पपाया में होता है। तो 18 किस किस के होते हैं आप एक ही बार में याद कर सकते हो, 18 किस किस के होते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, चाहे मैंड्रीन बोलो, स्वीट ऑरेंज बोलो, एसिड लाइम बोलो, सिट्रॉन्ज बोलो, ठीक है, लेमन बोलो, रफ लेमन बोलो, कुछ भी, जितने भी सिट्रस फ्रूट है सबके 18 हैं। कोल क्रॉप जितनी भी हमारी पत्ता गोभी, गाढ़ गोभी, ब्रोकली, ब्रूसल स्प्राउट्स, सबका क्या है 18 है, और प्रोमग्रेनेट के भी जिसको हम क्या बोलते हैं अनार, उसके भी 18 है, ठीक है। तो ये गुणसूत्र संख्या की यहाँ पे हमने बात की, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि पपीता का जो कलर है ना, हमने देखा ये पपीता का कलर ऊपर से आपको येलो दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर, पपीता का जो कलर है येलो होता है, ठीक है, ये येलो होता है, किस वजह से होता है पपीता का कलर जो है वो येलो, पीला रंग जो है पपीता का वो किस वजह से होता है, तो ये किस कारण से होता है बच्चों, ये होता है कैरिका जैंथिन की वजह से। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसकी वजह से, कैरिका जैंथिन, कैरिका जैंथिन की वजह से। ये क्या है कैरिका जैंथिन, कैरिका जैंथिन जो है एक पिगमेंट है, क्या है एक कलर, एक टाइप का पिगमेंट है। पिगमेंट बनता कैसे है तो जेनेटिक्स के अंदर मैंने अच्छे से बताया कि कैसे पिगमेंट बनता है, ठीक है। प्रोटीन बनता है, मतलब प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड से, ठीक है, इस तरीके से प्रोटीन से बनता है पिगमेंट। तो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड किससे बनते हैं, कोडोन से बनता है। कोडोन कौन लेके आता है तो टीआरएनए लेके आता है, उसको आरआरएनए तो कौन पहुंचाता है, तो मैसेंजर आरएनए पहुंचाता है, एंटीकोडोन का काम करता है और वहां से पिगमेंट बनता है, और वो पिगमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, ठीक है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग जो है पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कैरिका जैंथिन एक पिगमेंट है जो क्या करता है, एक वर्णक है जो पपाया के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। फ्रूट टाइप फल प्रकार की बात करते हैं तो देखो मैंने पहले ही बोला फ्रूट टाइप फल प्रकार की जब बात हो तो थोड़ा सा सोचना, हमें क्या सोचना है कि दो चीजें हैं, क्या होनी चाहिए, दो चीजें, या तो फल क्या हो गुच्छे में लगा हुआ हो, ठीक है, पेड़ के ऊपर फल गुच्छे में लगा हुआ हो, या फिर उसकी जो सीड होते हैं वो अंदर धसे हुए आपको मिलेंगे, बीज जो है अंदर धसे हुए मिलेंगे। दोनों कंडीशन फॉलो नहीं, आप बोलोगे सर तरबूज में भी धसे हुए मिलते हैं, तरबूज में तो पीपो होता है, मैंने क्या बोला फल या तो क्या हो गुच्छे में लगा हो, ठीक है, गुच्छे में लगा हुआ होना चाहिए। गुच्छे में लगा है, देखो पपाया एक पूरा गुच्छे में लगा हुआ होता है, तो उसका जो फल प्रकार है वो क्या है, बेरी, क्या है, बेरी, ठीक है, बेरी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सरस, सरस, ठीक है। एक पहचान क्या है, या तो गुच्छे में लगा हो या फिर उसमें कई सारे बीज हो, ये भी आप बोल सकते हो, उसमें कई सारे छोटे 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 बीज होते हैं, तरबूज में भी होते हैं, आप बोलेंगे सर तरबूज में भी होते हैं, लेकिन तरबूज कभी भी गुच्छे में नहीं लगता, ठीक है, तरबूज कभी भी गुच्छे में लगता हो, ना ही वो फ्रूट में आता है, किसमें आता है, वेजिटेबल के अंदर, मतलब है तो फ्रूट हो बट हम उसको वेजिटेबल में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे टमाटर भी फ्रूट में आता है, ठीक है, अपना जो भी फल जो है ऊपर लगता है, ठीक है, जो भी फल ऊपर लगता है झाड़ के ऊपर उसको हम फ्रूट ही बोलेंगे, टमाटर भी फ्रूट है, बैंगन भी फ्रूट है, सब फ्रूट है। अब जो नीचे लगता है, जैसे हमारा क्या हो गया तरबूज भी हमारा फ्रूट है, बाकी जो हम जिसकी की लीफ खाते हैं, किसी के हम जड़ खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, जैसे आलू का, आलू क्या है, तना है, जड़ खाते हैं, तो जैसे गाजर हो गया हमारा, मूली हो गया, ये सब क्या है, एक तरीके की जड़ है, ठीक है। तो बेरी इसका जो है फ्रूट प्रकार है, ठीक। एडेबल पार्ट क्या है, तो इसका हम क्या खाते हैं, मीजोकार्प, मीजोकार्प हम इसका खाते हैं, मध्य फल भित्ति, क्या बोलेंगे, मध्य फल भित्ति। देखो ये हिंदी वाले नाम जो ना बड़ा विचित्र टाइप के होते हैं, याद करने में भी आपको दिक्कत आएगी, यहाँ सीधा पढ़ना एडेबल पार्ट मीजोकार्प, हिंदी में पढ़ोगे तो मध्य फल भित्ति, अब वहां एग्जाम में जरूरी नहीं हिंदी में मध्य फल भित्ति ही आपको लिखा मिले, हो सकता है हिंदी में भी वो लिख दे मीजोकार्प, कैसे लिख दे, ऐसे मीजोकार्प लिख दे, तो हिंदी वाले निपट जाओगे, इसलिए इंग्लिश थोड़ा सा तो कम से कम जो कीवर्ड है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए। तो मीजोकार्प इसका खाते अभी दिखाऊंगा, अभी नीचे मीजोकार्प और बेरी वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें जो फल लगते, मतलब जो इसके जो फ्लावर होते हैं, इसका जो पुष्पकर्म होता है, जो जहां से फल बनते हैं, वो इन्फ्लोरेसेंस में क्या कहलाता है, सोलिटरी साइमोस, क्या बोलते हैं उसको, सोलिटरी साइमोस, सोलिटरी साइमोस इसका क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है। और सोलिटरी साइमोस जो है और किस किस का इन्फ्लोरेसेंस है, तो याद रखना चीकू का भी है, सपोटा जिसको बोलते हैं, सिट्रस का, नींबू वर्गीय फल का भी क्या है, यही है, फालसा, फालसा का इन्फ्लोरेसेंस भी यही है, किसका, चीकू हो गया, सिट्रस हो गया, फालसा हो गया, इनका भी क्या है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है,
सोलिटरी साइमोस है। गुआवा का भी सोलिटरी साइमोस ही है, ठीक है, सोलिटरी साइमोस या सिर्फ साइमोस भी लिखा हुआ मिल जाएगा गुआवा में। तो इसके साथ आप ये भी याद सकते हो कि चीकू सिट्रस फाल्सा का भी क्या है, वो इन्फ्लुएंस सोलिटरी साइमोस है। बेरिंग हैबिट क्या होती है, जैसे बेरिंग हैबिट अलग अलग प्रकार, टर्मिनल बेरिंग हैबिट होती है, एक्सिलरी टर्मिनल हैबिट होती है और मिक्स होती है। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा है टर्मिनल बेरिंग होती है, ठीक है, टर्मिनल बेरिंग होती है सीधे बढ़ने वाली, एक्सिलरी जो साइड में और मिक्स दोनों, ठीक है। तो यहां पे जो पपीता की जो जो बेरिंग हैबिट होती है वो होती है एक्सिलरी, एक्सिलरी बेरिंग होती है मतलब पार्श्विक साइड से, पार्श्विक जो है इसमें हैबिट होती है। क्लियर है, यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैरिका जेंथेम की वजह से पीला कलर, फ्रूट टाइप बेरी, डबल पार्ट मिजोकार्प, इन्फ्लोरेसेंस जो है सोलिटरी साइमस होता है, वो बेरिंग हैबिट जो है वो एक्सिलरी होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो क्या चीज़ें समझ में आएगी क्लियरली यहाँ से, ये तो है हमारा गुच्छे में लगा हुआ, ठीक है, फल गुच्छे में लगा हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोल दिए, बेरी, ठीक है, बेरी बोल दिए। दूसरा इसका मिजोकार्प देखो, ये जो है बाहर वाला ऊपर वाला जो आपको पीला कलर दिख रहा है, ये ऊपर वाला, ये इसको हम बोलते हैं मीजो एक्सोकार्प, जो सबसे भारी भाग है छिलका, ये आपको ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा क्या है, एक्सोकार्प है, ठीक है। अंदर जो है ये क्या है, सीड है, ये अंदर सीड है, बाहर जो ये क्या है, ये है हमारा एक्सोकार्प, ये एक्सोकार्प। तो अंदर बीच वाला जो भाग बचा वो क्या है, मिजोकार्प, और हम ये बीच वाला भाग ही खाते हैं, इसलिए खाने वाला भाग कौन हो गया, मिजोकार्प, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस की बात की थी मैंने, तो ये देखो इसके फ्लावर जो है कुछ इस तरीके से लगते हैं ये, ठीक है, ये इसके फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, इसमें मेल फ्लावर भी होते हैं, फीमेल फ्लावर भी होते हैं, तीनों फ्लावर इसके अंदर आपको मिलेंगे, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल दोनों एक साथ। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर होंगे, याद रखना ये इस तरीके से कि ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गई, मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर है, इसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। मान लो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फीमेल है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट। सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेल फ्लावर है तो उसको हम बोलते हैं स्टेमिनेट। तो इसमें तीनों प्रकार के फ्लावर मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको पॉलीगेमस बोला जाता है, पॉलीगेमस। पॉलीगेमस का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के फूल होना, विभिन्न प्रकार के पुष्प इसके अंदर पाए जाते हैं, उसको पॉलीगेमस बोलते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो सोलिटरी साइमोस होता है, इसमें अलग अलग मतलब पुष्प फल पाए, फूल पाए जाते हैं, जिसको हम पॉली, इसीलिए इसको पपाया को पॉलीगेमस बोलते हैं। पॉलीगेमस मतलब कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पे फूल मिलेंगे। बाइसेक्शन मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में वो भी मिलता है, फीमेल फ्लावर भी मिलते हैं और मेल फ्लावर भी मिलते हैं, सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, इसलिए इसको पॉलीगेमस बोला जाता है। एक टर्म यहाँ पे देख रहे हो, ये बीज है, ठीक है, ये बीज है, इस बीज के ऊपर आपने पपीता सबने खाई होगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सबने पपीता खाई है। इस बीज के ऊपर जो है ना, एक बीज के ऊपर मतलब बीज तो ये मैं ब्लैक रंग का बना देता हूँ, ये जो हमारा सीड है, ठीक है, इस सीड के ऊपर क्या होता है, एक आवरण होता है। आपने देखा होगा जब आप सबने पपीता खाई है कि बीज हम आपको चिकना चिकना सा लगता है वो, ठीक है, चिकना चिकना सा होता है इसका सीड। क्यों होता है कि उसके ऊपर जो है ना एक आवरण होता है, ऐसा जो है इसके ऊपर एक आवरण होता है, ठीक है, व्हाइट कलर की झिल्ली में आपको मिलेगी, डायग्राम में भी दिख रहा होगा शायद आपको, व्हाइट कलर की झिल्ली होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सर्कोटेस्टा बोला जाता है, ये याद रखना है टर्म्स, सर्कोटेस्टा, लगभग 4 से 6 mm की झिल्ली होती है, सर्कोटेस्टा इसको कहा जाता है। तो जो बीज होता है पपाया का, उसके ऊपर एक आवरण होता है, उस आवरण के अंदर सीड जो है कवर होता है, उस आवरण को सर्कोटेस्टा कहा जाता है। क्लियर है, यहां तक का मामला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला था इसको पॉलीगेमस बोलते हैं, मतलब अलग अलग विभिन्न प्रकार के पुष्प आ जाते हैं, मतलब इसमें मेल भी होता है, मेल फ्लावर, ठीक है, मेल फ्लावर, नर पुष्प भी होते हैं इसमें, दूसरा इसमें फीमेल फ्लावर भी होते हैं, ठीक है, मादा पुष्प भी होते हैं, और तीसरा इसमें बाइसेक्सुअल या उसी को क्या बोलते हैं, हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट इसी को बाइसेक्सुअल बोल देते हैं, मतलब नर और मादा दोनों होगा, नर और मादा दोनों होते हैं उसमें। तो देखो जो मेल फ्लावर होता है इसको बोलते हैं हम स्टेमिनेट, स्टेमिनेट बोलते हैं, और इसका जो जीनोटाइप है, मैं यहाँ जीनोटाइप भी बता देता हूँ, इसमें जीनोटाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेमिनेट बोलते हो, और इसका जो जीनोटाइप है वो होता है कैपिटल M1 स्मॉल m, याद रखना, चलो अच्छे से लिख देता हूँ एक मिनट। इसको क्या बोला जाता है, जब मेल फ्लावर है इसको बोला जाता है स्टेमिनेट, क्या बोला जाता है, स्टेमिनेट, और इसका जो जीनोटाइप है, इसका जो जीनोटाइप है
जीनोटाइप, वो होता है कैपिटल M1 और स्मॉल m, ये पूछा जाता है। मतलब मेल फ्लावर को कौन सा जीनोटाइप कंट्रोल करता है, तो M1 स्मॉल m कंट्रोल करता है मेल फ्लावर को। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है ये वाला, कि फीमेल फ्लावर जो है, फीमेलनेस मतलब पपाया के अंदर जो फीमेलनेस है, मतलब मादा की जो पुष्प है उनको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट। इसको क्या बोला जाता है, पिस्टिलेट बोला जाता है, ठीक है, पिस्टल होता है ये। इसमें जो जीनोटाइप होता है वो स्मॉल एम होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल वाला पार्ट है लेकिन हमें पता होना चाहिए। हर्मोप्रोडाइट मतलब यहाँ पर दोनों होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है। और इसका जो जीनोटाइप होता है वो होता है कैपिटल एम टू स्मॉल एम, ये याद रखना, कैपिटल एम टू स्मॉल एम, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा, देखो अब यहाँ पे एक कंडीशन और समझ लेना, ठीक है, एक कंडीशन और यहाँ पे समझ लेना। क्या समझोगे कंडीशन और, देखो ये जब मेल और फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मेल और फीमेल दोनों हो, ये कि एक फ्लावर है जिसके अंदर फीमेल भी है, ठीक है, फीमेल भी है जिसको हम इससे दर्शाते हैं, और हर्मोप्रोडाइट मतलब मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों हैं, तो ऐसे मेल भी है मतलब ये तो हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, नर और मादा दोनों हैं, नर भी है और मादा भी है और अकेली मादा भी है, इस तरीके के फ्लावर मिल जाए, मतलब फीमेल भी है और मेल और फीमेल दोनों हैं, तो ऐसे जो फ्लावर, इस टाइप के जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोडायोसियस, याद रखना गाइनोडायोसियस, कि फीमेल फ्लावर भी होगा और मेल और फीमेल दोनों होंगे, तो ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं गाइनोडायोसियस। समझ में आई बात को, अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा। फीमेल भी होगा और मेल और फीमेल दोनों भी होंगे, एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं और एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं गाइनोडायोसियस, ठीक है, समझना बात को। जैसे कि ये मैंने एक फ्लावर बना दिया, यहाँ पे आपकी ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल, ये भी है, ठीक है, और ये प्लांट है, और यहाँ पे अगर हमने एक फ्लावर और बनाया जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, गाइनोडायोसियस, कि एक फीमेल भी है और मेल और फीमेल दोनों भी है, तो उसको बोलते हैं गाइनोडायोसियस कंडीशन। और अगर सिर्फ और सिर्फ 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 मेल हो, एक फ्लावर में सिर्फ मेल हो या फिर सिर्फ फीमेल हो, तो उसको डायोसियस बोल देते हैं। क्या, सिर्फ मेल हो या सिर्फ फीमेल हो तो उसको डायोसियस, मतलब एक लिंगी होता है, और गाइनोडायोसियस मतलब यहां पर मेल क्या मादा भी हो और उभयलिंगी भी हो। समझ में आ गई बात, अभी डायग्राम में और आगे आप देखेंगे, चलो आगे बताऊंगा उस बात को, पहले समझ लो यहां आगे। इरिगेशन मेथड, तो यहां पर रिंग मेथड याद रखना, रिंग मेथड से देते हैं इरिगेशन, रिंग मेथड से ऐसे रिंग बना देते हैं पूरी थाला, यहां पे हमारा प्लांट होता है, इस तरीके से देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वलय विधि से देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वलय विधि से, छल्ला विधि भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीड, मैंने बोला ना, सीड जो है एक आवरण से ढका रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कोटेस्टा, क्या बोलते हैं, सर्कोटेस्टा कहा जाता है, ठीक है। सेंसिटिव होता है, पपाया जो होता है, जो हमारा पपीता का जो प्लांट होता है, वो सबसे ज्यादा किस वजह से उसमें नुकसान हो जाता है, या तो फ्रॉस्ट की वजह से, पाला पड़ जाए अधिक, ज्यादा अधिक ठंड पड़ जाए, कोल्ड की वजह से, ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से पपीता हमारा खराब हो जाता है, या फिर उसमें क्या होती है, ज्यादा पानी भर जाए, वाटर लॉक कंडीशंस हो जाए, पानी ज्यादा भर जाए तब भी वो खराब हो जाएगा। तो जब पानी भर जाता है ना, सबसे ज्यादा परेशानी क्या होती है उसमें, नर्सरी स्टेज में डंपिंग ऑफ बीमारी। तो याद रखना, ये फ्रॉस्ट मतलब पाला जो है, ठीक है, और वाटर लॉगिंग जिसको हम जल भराव कहते हैं, जल भराव, भराव के प्रति क्या है, ये सेंसिटिव है, जल भराव के प्रति सेंसिटिव होते हैं। मतलब फ्रॉस्ट अगर पड़ गया तो पपीता हमारा नष्ट हो जाएगा, या पानी भर गया, जल भराव हो गया, पानी जब भरने वाली कंडीशन है तब भी खराब हो जाएगा। क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो याद रखना, ये मीठा फल है, आसानी से मिल जाता है, तो इसको हम ट्रॉपिकल या उष्ण क्लाइमेट में रखते हैं। और ये क्या होता है, मैंने बोला जितने भी ट्रॉपिकल वाले हैं मोस्टली क्या है, क्लाइमेट्रिक फल है, क्लाइमेट्रिक फूल मतलब तोड़ने पर पक जाते हैं, तोड़ने पर पक जाते हैं, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ट्रॉपिकल लिखा है तो क्लाइमेट्रिक होगा, और ये फल मीठा है और आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ये हमने बात की थी यहाँ पे पॉलीगेमस प्लांट, पॉलीगेमस मतलब मैंने बोला था कि एक तो हो गया मेल फ्लावर, ये जो है दिखाया है मेल फ्लावर दिखाया है, ये यहाँ दिखाया आपको फीमेल फ्लावर, और ये जो है इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों है, इसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, दोनों है मेल और फीमेल, तो M2 स्मॉल m, सिर्फ मेल है तो M1
स्मॉल एम, और सी फीमेल है तो स्मॉल एम स्मॉल एम, ये जीनोटाइप है इसके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आगे, और जो मैंने बात को बोला है वो आएगा यहाँ पे। टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर मैंने बोला ट्रॉपिकल फ्रूट है तो लगभग 24 से 28, याद रखना 24 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत लगेगी इसको। ठीक है, ये एवरेज रेंज है, जब एवरेज रेंज ही हमें याद करना है जितने भी ट्रॉपिकल है 24 से 28 में। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो स्टोरेज टेम्परेचर हमने बताया था क्या, 10 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, 85 से लेकर 95% तक है रिलेटिव, मतलब आर्द्रता जो है इतनी चाहिए। प्रोपोगेशन इसका किससे करते हैं, हम सीड से करते हैं, याद रखना बीज से इसका प्रोपोगेशन करते हैं। और किसका करते हैं बीज, क्या फालसा का करते हैं, कागजी, कागजी नींबू का करते हैं, है ना, कागजी नींबू का करते हैं सीड से। सीड से अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रोपोगेशन, तो सीड से प्रोपोगेशन करें तो सीड रेट लगेगी। अब सीड रेट दोनों में लगेगी, दो प्रकार की होती है, एक होता है डायोसियस, डायोसियस जिसको हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी, इसमें अलग होगी, और एक होता है हमारा गाइनो डायोसियस, ये दोनों बताया हमने। ठीक है, डायोसियस क्या होता है, गाइनो डायोसियस मैंने बता दिया। अगर एक लिंगी मतलब ऐसा, मतलब पपाया के अंदर दो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है, क्या बोलते हैं हम यहाँ पे 10% जो है मेल प्लांट की भी ज़रूरत, हम बोलते हैं ना 10% मेल प्लांट होने चाहिए। क्यों, क्योंकि डायोसियस में क्या होता है, ऐसा प्लांट होता है जिसमें या तो सिर्फ क्या होगा फीमेल होगा, और या तो सिर्फ क्या होगा मेल होगा। ठीक है, अगर मान लो एक ही फ्लावर है और वो भी कौन सा है, मेल वाला है, तो डायोसियस बोलेंगे। एक ही फ्लावर है वो सिर्फ फीमेल वाला है तो भी डायोसियस बोलेंगे। गाइनोडायोसियस का मतलब यहाँ पर फीमेल भी है प्लस फीमेल और मेल दोनों भी है, फीमेल प्लस मेल भी है और फीमेल भी है, इसको गाइनोडायोसिस बोलते हैं, अभी आगे दिखाऊंगा। तो याद रखना, देखो अब इसमें सिर्फ एक ही है, मान लो इसमें सिर्फ फीमेल है, इसमें सिर्फ फीमेल है, तो हमने क्या बोला, इसमें सिर्फ क्या है मादा है, मादा फ्लावर है, तो इसको हमने डायोसिस बोला। लेकिन इसमें पॉलिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मादा मेल फ्लावर भी चाहिए, कौन सा चाहिए, मेल भी चाहिए। तो अगर हमने फीमेल प्लांट लगाए तो साथ में मेल भी लगाने पड़ेंगे, मतलब इसकी सीड रेट ज़्यादा होगी। यहाँ पर फीमेल भी है और मेल भी है, दोनों हैं, दोनों हैं, तो सीधी सी बात इसमें हमें अलग से प्लांट लगाने की जरूरत नहीं, मतलब इसकी सीड रेट कम होगी। तो याद रखना इसकी जो सीड रेट है वो कितनी है, 400 से 500 ग्राम, और इसकी जो सीड रेट ये कितनी है, तो 250 से लेके 300 ग्राम, ये याद रखना। ठीक है, स्पेसिंग कितनी चाहिए, तो स्पेसिंग याद रखना 2×2 ICR के अकॉर्डिंग है मीटर स्क्वायर, और हाई डेंसिटी प्लांटिंग किसमें, पूसा नन्ना में, पूसा नन्ना में कितनी रखते हैं, 1.25×1.25 मीटर स्क्वायर, ये याद रख लेना। अब मैं आपको डायोसिस बाइनोडायोसिस बताऊंगा। ठीक है, 2×2 मतलब 3×3 भी कर सकते हो, 2×3 होता है, और हाई डेंसिटी प्लांटिंग पूसा नन्ना जो वेराइटी उसमें 1.25 मीटर रखते हैं। ठीक है, अब आओ ये समझो, यहाँ पे डायोसियस और गाइनोडायोसियस, मैंने क्या बोला, डायोसियस किसको बोलेंगे, डायोसियस मतलब एक लिंगी, किसको बोलेंगे, या तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मेल फ्लावर हो, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सिर्फ मेल फ्लावर है, मतलब एक पूरा प्लांट है इसमें सिर्फ मेल है तो डायोसियस बोलेंगे, या फिर क्या हो सिर्फ और सिर्फ क्या हो फीमेल हो, पिंक फ्लावर किसका है, फीमेल का, या तो क्या हो सिर्फ और सिर्फ फीमेल हो तो उसको डायोसियस बोलेंगे। अब देखो बाइसेक्सुअल और हार्मोप्रोडाइट, हिंदी में इसको बोलते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब दोनों होते हैं। तो हार्मोप्रोडाइट और बाइसेक्सुअल मतलब यहाँ पे देखो, एक ही फूल के अंदर, एक ही फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब समझना, हार्मोप्रोडाइट का मतलब समझना कि एक ही फूल है। ठीक है, ये एक ही फूल है, देखो आधा आधा दोनों दे दिया ना, ये एक ही फूल है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये फीमेल और मेल दोनों मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल और हार्मोप्रोडाइट। ठीक है, मोनोसियस क्या होता है कि एक ही प्लांट पर अलग अलग जगह पर मेल और फीमेल है। ठीक है, एक ही प्लांट पर है मेल और फीमेल, बट दोनों अलग अलग फ्लावर है, मतलब इसमें ये क्या है, ये है हमारा मेल फ्लावर और ये है फीमेल फ्लावर। तो समझ में आई बात को, जब सिर्फ प्लांट पर एक ही मेल हो तो डायोसियस सिर्फ, या फिर एक ही फीमेल हो तो डायोसियस। ठीक है, जब प्लांट पर दो फ्लावर हो और दोनों, एक में मेल है और एक में फीमेल पार्ट है, तो उसको मोनोसियस बोलेंगे। जब प्लांट पर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों हो तो उसको बाइसेक्सुअल हार्मोप्रोडाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो गाइनोडायोसिस, गाइनोडायोसिस मतलब समझना, गाइनोडायोसिस का मतलब है कि आपके पास क्या होगा, एक तो होगा यहाँ पे फीमेल, फीमेल और दूसरा मेल और फीमेल दोनों। ठीक है, मेल प्लस फीमेल दोनों,
तो ऐसे प्लांट को बोलते हैं गाइनोडायोसियस। ठीक है, समझ में आ गए? एक तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब एक तो होगा फीमेल। गाइनोडायोसियस में क्या होगा? ये दोनों प्लांट होंगे, या समझो गाइनोडायोसियस में क्या होगा? ये दोनों, इसको हम गाइनोडायोसियस बोलेंगे, इसको हम गाइनोडायोसियस बोलेंगे कि एक तो फीमेल फ्लावर है और साथ में एक फ्लावर कौन सा है? मेल और फीमेल दोनों है, इसको बोलते हैं गाइनोडायोसियस। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिचेस सोर्स। तो रिचेस सोर्स किसका होता है? पपाया, विटामिन ए का, विटामिन ए होगा, पर मैंगो के बाद सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? मैंगो में, उसके बाद पपाया में। ठीक है, तो विटामिन ए रिच सोर्स तो होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा किसमें होता है? मैंगो में होता है। टीएसएस की बात करें तो इसमें टोटल सोल्यूबल सॉलिड जो होता है वो कितना होता है? 11.5%, 11.5 डिग्री ब्रेक्स। मैंने बताया था जितने भी फ्रूट है सब में जो होता है 11 से लेके 14 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस होता है, टीएसएस। ठीक है, और आम और अंगूर में, आम और अंगूर में होता है 20 डिग्री ब्रिक्स, और गुआवा, गुआवा होता है 8 से 10 डिग्री ब्रिक्स। ये थी बाकी, ये बाकी सारे फ्रूट में कितना होता है? बाकी सारे फ्रूट में 11 से 14 आप याद रख लीजिए, आ से आम, आ से अंगूर में 20, और गुआवा जो है अमरुद उसमें 8 से 10, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। देखो पपाया में 11.5 होता है, इस रेंज के अंदर आ रहा है। और इसमें एक वेराइटी है जिंक फ्लैश, कौन सी वेराइटी है? जिंक फ्लैश वेराइटी है, उसमें जो है लगभग 13 से लेके 14 डिग्री ब्रिक्स होता है, वो भी उसी रेंज के अंदर है जिंक फ्लैश। ठीक है, कौन सी वेराइटी है? जिंक फ्लैश, उसमें 13 से 14 डिग्री डिग्री ब्रिक्स टीएसएस होता है। रूट स्टॉक की बात करें तो इसमें कोल्ड रूट स्टॉक होता है, कोल्ड, कोल्ड रेजिस्टेंस, कोल्ड रेजिस्टेंस रूट स्टॉक होता है, मतलब वही पाला प्रतिरोधी रूट स्टॉक होता है। उस रूट स्टॉक का नाम क्या है? माउंटेन पपाया, पपाया मतलब माउंटेन पपाया, उसको बोलते हैं माउंटेन पपाया, माउंटेन पपाया, केरिका केरामेरेंसिस। ठीक है, केरिका केंडा मेरेंसिस नाम है उसका, तो माउंटेन पपाया भी याद रखिए, ये कोल्ड स्टोरेज है। फोटो पीरियडिज्म में बात करें कि ये पैसा है तो याद रखना ये डे न्यूट्रल प्लांट है। कौन सा प्लांट है? डे न्यूट्रल प्लांट है, मतलब प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है। ठीक है, ये कैसा प्लांट है? प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है, जैसे बनाना भी प्रकाश निष्प्रभाव, मतलब इसको तीनों सीजन में लगा सकते हैं। ठीक है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, तीनों सीजन में लग जाता है। जैसे हमारा गुआवा भी डे न्यूट्रल है, उसको भी हम लगा सकते हैं, और जैसे हमारा जो बनाना है उसको भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, हाइएस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो हाइएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में, याद रखना आंध्र प्रदेश में पपाया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें सीब मेटिंग। सीब मेटिंग मतलब उसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, सीब मेटिंग। सीब मेटिंग का मतलब होता है, सीब मतलब होता है, हम बोल सकते हैं कि चचेरे भाई बहन बोल सकते हैं, तो मतलब सीब मेटिंग मतलब बहुत ही क्लोजली रिलेशन, क्लोज ब्रीडिंग होगी, यहाँ पे प्रजनन जो होगा वो बहुत ही नजदीकी रिलेशन में होगा। ठीक है, नजदीकी प्रजनन होता है, प्रजनन होता है किसके अंदर? पपाया के अंदर। इसी को सीब मेटिंग बोल देते हैं, कि जैसे कि भाई बहन के अंदर जो बोलते हैं ना, ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में अगर रिलेशन हो रहा है, ठीक, प्रजनन हो रहा है, तो डेट इज क्लोज ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग का पार्ट है, उसको हम सीब ब्रीडिंग बोलते हैं, ये पपाया के अंदर होता है। ठीक है, याद रखना इसको। फीमेलनेस, मादा में वृद्धि, हमें अगर मान लो मादा प्लांट जो है बढ़ाने हैं, मादा फ्लावर बढ़ाने हैं, तो क्या है? तो ये मादा प्लांट जो बढ़ जाते हैं कैसे? टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ने से, ठीक है याद रखना, तापमान बढ़ने से पपाया में फीमेलनेस बढ़ जाता है, मादा फ्लावर जो है, मादा प्लांट जो है बढ़ जाते हैं, मादा में वृद्धि हो जाती है, कब? जब टेम्परेचर बढ़ता है। और जो हमारे कुकुरबिट्स हैं, ठीक है, कुकुरबिट्स हम पढ़ेंगे क्या, सब्जी कद्दू वगैरह, कद्दू वर्गीय, उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, मेलनेस में वृद्धि हो जाती है, मेलनेस, नर भाग जो है, नर पौधे जो है वो बढ़ जाते हैं अगर कुकुरबिट्स में टेम्परेचर बढ़ाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पर फीमेलनेस बढ़ जाता है, ठीक है। और मैंने बोला था फीमेलनेस को कंट्रोल कौन करता है, कौन सा जीनोटाइप? तो M1 ये जीनोटाइप कंट्रोल करता है। पपाया के प्रोडक्ट की बात करें तो दो प्रोडक्ट, एक तो मिलता है हमें पेपेन,
और दूसरा मिलता है हमें कार्पिन, ठीक है। एक मिलता है पेपेन और एक मिलता है कार्पिन। क्या क्या मिलता है? एक मिलता है हमें पेपेन और दूसरा कार्पिन, ये दो मिलते हैं, ठीक है। दोनों के बारे में थोड़ा सा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो पेपेन है, पेपेन हम लेते हैं अनराइप, अनराइप फ्रूट मतलब कच्चा फल से लिया जाता है। कौन सा? लगभग 3 मंथ पुराना, 3 मंथ ओल्ड। जब फल कितना है? 3 महीने का हो, जैसे आपने लगाया अभी प्लांट और 3 महीने का हो जाए, तो कच्चे फल से लेते हैं पेपेन, ठीक है। मिल्क निकालते हैं, मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं, सफ़ेद कलर का होता है अनड्राइड फ्रूट, कच्चे फल से निकालते हैं पेपेन। लगभग 3 महीने का जब हो जाता है फल तब निकालते हैं। और इसके इसके अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन होता है, कितना परसेंट प्रोटीन होता है? तो याद रखना 72% तक इसमें पाया जाता है प्रोटीन। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम भी निकलता है इसके अंदर से, एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो पेट रोग में, पेट रोग में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? पेपेन का। कार्पिन का उपयोग किया किया जाता है ड्यूरेटिक मतलब मूत्रवर्धक में, ठीक है, मूत्रवर्धक में इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्पिन का। समझ में आ गया? पेपेन जो है पेट के रोगों के लिए उपयोग किया जाता है, कच्चे फल से निकाला जाता है, लगभग 3 मंथ पुराना फल होता है उससे, प्रोटीन इसमें पाया जाता है लगभग 72%, एंजाइम होता है उसमें पेप्सिन, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्या है? डायोसियस एकलिंगी। जब हम क्या बोलते हैं, जब हम क्या लगाते हैं, डायोसियस पपाया लगाते हैं, जब एकलिंगी पपाया लगाते हैं, तो वहां पर मेल और फीमेल का रेशियो लेना पड़ता है, किसका? नर और मादा का रेशियो कितना? 1:10। मतलब क्या बोलते हैं कि जो मेल प्लांट है वो कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए पपाया के अंदर। 10% का मतलब 1/100, तो क्या आ जाएगा? अगर एक प्लांट यहाँ पे नर का है तो 10 प्लांट क्या होंगे? मादा के, तो 1:10 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो 10% जो है मेल प्लांट नर पौधा होना चाहिए पपाया के खेत के अंदर, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:10। अगर 10 फीमेल प्लांट है तो 1 नर प्लांट होना चाहिए, ठीक है। ये देखो हमने बात की अभी पेपेन की, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कच्चे फल से लगभग 3 महीने पुराना जो फल होगा उससे क्या करते हैं, उससे क्या निकालते हैं? पेपेन निकाला जाता है, ठीक है। ये व्हाइट कलर का होता है और ये मेडिसिन में यूज किया जाता है, क्लियर। चलिए नाउ प्लांटिंग टाइम की बात करते हैं। तो प्लांटिंग टाइम सीधी सी बात है, इसको हर सीजन में लगा सकते हैं वैसे तो, पर प्लांटिंग टाइम हम इसका क्या होता है, जनरली जून टू जुलाई में आप इसको लगा सकते हैं। नर्सरी की बात करें, आप देखो जून टू जुलाई में लगा रहे हैं और इसको हम नर्सरी में तैयार करते हैं, तो नर्सरी पपाया की जो नर्सरी है, पपाया की जो नर्सरी है वो 2 महीने में तैयार हो जाती है, 2 मंथ में तैयार हो जाती है, ठीक है, 2 मंथ में तैयार हो जाती है। अगर हम जून जुलाई में प्लांटिंग कर रहे हैं तो नर्सरी कब तैयार करेंगे, पपाया की नर्सरी कब तैयार करेंगे? तो याद रखना पपाया की नर्सरी हम अप्रैल मई में तैयार करते हैं, ठीक है, अप्रैल मई में, ठीक है। इसको तो हिंदी लिखने की जरूरत है, अप्रैल मई में हम पपाया की नर्सरी तैयार करते हैं। तो नर्सरी में जैसे हमने यहाँ पे प्लांटिंग, नर्सरी में हमने क्या लगाई? सीड लगाया अप्रैल मई में, तो जून जुलाई, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, अगर अप्रैल से गिरोगे तो मई और जून जुलाई में कर देंगे, मई से गिन करोगे तो जून और जुलाई में, तो लगभग 2 महीने में जो है पपाया की नर्सरी मतलब पौधा तैयार हो जाता है नर्सरी के अंदर। तो अगर अप्रैल मई में हम तैयार करेंगे तो जून जुलाई में प्लांट कर देंगे, क्लियर है। 2 महीने में नर्सरी तैयार हो जाता है पपाया का। वैसे तो फ्रूट जो है जितने भी फल है लगभग 1 साल, 1 साल से ज़्यादा का समय लगते हैं प्लांट करने में नर्सरी से फील्ड में, लेकिन यह नर्सरी मतलब पपाया का ऐसा पौधा है जो 2 महीने में तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया मामला? चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे सेक्स रिवर्सल पाया गया। मतलब क्या होता है सेक्स रिवर्सल का, कि अगर मान लो कुछ यहाँ पे है आपका मेल प्लांट, ठीक है, ये आपका मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी वातावरण में, ठीक है, वातावरण में अगर कुछ बदलाव होता है, बदलाव होने से वातावरण में कुछ बदलाव होगा, तो ये मेल वाला जो प्लांट है ये मेल जो है वो फीमेल में बदल सकता है और ये फीमेल वाला जो है मेल में बदल सकता है। इसको बोलते हैं सेक्स रिवर्सल। क्या बोलते हैं इसको? सेक्स रिवर्सल। तो ये पपाया के अंदर पाया जाता है कि कुछ भी इन्वायरमेंटल चेंज होगा तो मेल वाला प्लांट फीमेल में, फीमेल वाला प्लांट मेल में चेंज हो सकता है, ठीक है। मेटाजीनिया यहाँ पर पाई जाती है। मेटाजीनिया का क्या मतलब है? कि जो पोलन होते हैं, है ना, पोलन मतलब कि जो परागकण होते हैं, ठीक है, फूल के अंदर परागकण होते हैं, वही परागकण जो जाते हैं मादा के ऊपर ओवरी के अंदर जाते हैं और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है।
तो जो पेरेंट पोलन होते हैं, ठीक है, पेरेंट पोलन होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं पितृ परागण परागण होते हैं, ये क्या होता है, इनका जो है प्रभाव पड़ता है, इनका प्रभाव किस पे पड़ता है, प्रभाव इनका प्रभाव पड़ता है किस पे, सीड पर या फ्रूट पर या एम्ब्रियो पर, सीड पर या फ्रूट पर या एम्ब्रियो पर। तो उसमें जो है अलग अलग प्रकार के आपको कलर उस पर दिखाई देते हैं सीड के ऊपर, जैसे मक्का के अंदर सबसे ज़्यादा मेटाजीनिया देखने को मिलता है, तो अलग अलग ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, पिंक कलर का जो है सीड बन जाता है, उसको बोलते हैं मेटाजीनिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आप फीमेलनेस एंड पपाया में कैसे कंट्रोल करेंगे। अभी मैंने बताया कैसे कंट्रोल करेंगे, तो M1 जीनोटाइप से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, फीमेलनेस पपाया किससे बढ़ाएंगे, तो आप जिब्रेलिक एसिड एट द रेट ऑफ 50% PPM यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे फीमेलनेस को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये फिलर प्लांट में यूज़ किया जाता है, याद रखना ये बेस्ट फिलर प्लांट है, फिलर प्लांट है मतलब पूरक पौधा है, बेस्ट पूरक पौधा है। जैसे ये हमारा स्क्योर सिस्टम रहता है, ठीक है, यहाँ पे हम बीच में क्या, यहाँ पे हम प्लांट लगाते हैं, ये तो पूरक पौधा मतलब ये बीच में हमने प्लांट लगा दिया, तो उसके लिए जो ये बेस्ट होता है पपाया का। TSS इन पपाया जेम, जेम की बात कर रही, पपाया जेम में TSS कितना होता है, जितना 68.5% ये होता है पपाया जेम के अंदर TSS। चलिए आगे बढ़िए, वेराइटी की बात कर लेते हैं। वेराइटी भी दो कंडीशन है, मैंने क्या बोला, एक होता है डायोसियस जिसको हम बोलते हैं एक लिंगी, ठीक है, और दूसरा होता है गाइनोडायोसियस। ठीक है, एक डायोसियस और एक गाइनोडायोसियस। आपको यहाँ पे याद रखना है ना, मैं सिर्फ डायोसियस वाली याद करवा देता हूँ, इधर वाली ऑटोमेटिक आपकी याद हो जाएगी। देखो डायोसियस में आपको तीन याद रखना है, एक तो होता है अपना पूसा जेंट, क्या, चलो दूसरे कलर से लेता हूँ, एक पूसा ड्वार्फ, एक हो जाएगा पूसा नन्ना, ये तीन आप याद रख लीजिए, मतलब जितने भी नन्हे छोटे मोटे हैं, ये हो गया अपना पूसा जेंट, पूसा ड्वार्फ और पूसा नन्ना। अब देखो जेंट का मतलब होता है विशाल, लंबा, ठीक है, लंबा, बहुत ही विशाल, जेंट मतलब होता है राक्षस दानों बोलते हैं, बहुत ही लंबा, और ड्वार्फ मतलब ये हो गया बोना, और यहाँ पे भी ड्वार्फ मतलब नन्ना मतलब हो गया बोना, तो लंबा बोना बोना ये सब डायोसियस में आ जाएंगे। और यहाँ पे याद रखना क्या, जितने भी CO वाली हैं, CO1 CO2 CO3 को छोड़कर, CO3 इसमें आ जाएगा, CO3 को छोड़कर, तो जनरली जितने भी CO वाली वेराइटी है वो सब की सब इधर ले आना। एक याद रखना CO5 इसमें याद रखना, ये हाईएस्ट पेपेन इसमें पाया जाता है, हाईएस्ट पेपेन कंटेंट किसमें, CO5 में, और ये भी कौन सी है, डायोसियस है, CO5 में सबसे ज्यादा पेपन, सर्वाधिक पेपन इसमें अंदर पाया जाता है CO5 में। तो डायोसियस में क्या याद रखो कि पूसा जेंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्ना, सब पूसा जेंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्ना, एक लंबा दो बोने किसमें आ जाएगा, डायोसियस में, और जितने भी सीओ वाली सारी की सारी इधर, बाकी आपको याद रखनी, बाकी कुछ भी है इधर, क्या पूसा मेजेस्टी, ठीक है, पूसा डेलीसियस और सनराइज सोलो कुर्ग हनी ड्यू सूर्या, ये सारी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, या क्या लिखा मैं, पूसा मेजेस्टी, पूसा मेजेस्टी या डेलीसियस, डेलीसियस या सनराइज सोलो, ये हो जाएगा कुर्ग हनी ड्यू और ये हो जाएगा सूर्या, ये सारी इधर आ जाएगी। तो आपको याद क्या रखना है, पूसा जेंट, पूसा डॉर्क और पूसा नन्ना जो है किसकी है, डायोसियस वाली है, बाकी सारी किसमें। ऑप्शन में ही पूछा था निम्न में से कौन सी जो है गाइनोडायोसियस, पपाया की जो है गाइनोडायोसियस वेराइटी है, तो आपको पता है ये तीनों ऑप्शन में दे देंगे, पूसा जेंट, पूसा डॉर्क, पूसा नन्ना और एक इधर पूजा मेजेस्टी, तो आपको पता है कि तीनों जो डायोसियस है तो वो गाइनोडायोसियस में चला जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारी हो गई क्या वेराइटी सारी। पपाया के बाद इंसेक्ट की बात करें तो दो इंसेक्ट इसमें हैं जो महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, एक तो होता है एफिड, ठीक है, एफिड, और दूसरा है वाइट फ्लाई, वाइट फ्लाई, ठीक है, सफेद मक्खी, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
ये एफिड क्या करती है, ये कौन सा रोग फैलाती है, याद रखना, ये जो है रिंग स्पॉट वायरस है, वायरस ये कौन फैलाती है, वाइट मक्खी। और पपाया में क्या होता है, लीफ कर्ल होता है, लीफ कर्ल ये कौन फैलाने का काम करता है, लीफ कर्ल वायरस होता है, ये कौन फैलाने का काम करता है, वाइट फ्लाई। तो डिजीज भी ये समझ लो, डिजीज कौन कौन सी होती है, डिजीज एक तो होता है सबसे महत्वपूर्ण डंपिंग ऑफ, क्या होता है डंपिंग ऑफ, ये डंपिंग ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ये याद रख लेना, स्टार बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है नर्सरी की डिजीज है, नर्सरी रोग है, नर्सरी डिजीज है, नर्सरी में लगने वाला रोग है, महत्वपूर्ण, नर्सरी में सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। दूसरा है, एक होता अभी मैंने बताया कौन सा, रिंग स्पॉट और लीफ कर्ल, पपाया लीफ कर्ल, ये दोनों। तो रिंग स्पॉट एफिड के द्वारा फैलता है, लीफ कर्ल जो है व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है, क्लियर है। ये आपका यहाँ पे पूरी कहानी खत्म होती है, ठीक है। ये देख लो डंपिंग ऑफ, इस तरीके से जो है प्लांट डेड हो जाता है, ये प्लांट जो है इस तरीके से झुक जाता है, ये डेड हो जाता है प्लांट इस तरीके से, इसको बोलते हैं डंपिंग ऑफ। तो ये पपाया क्रॉप हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट को हम गुआवा या सिट्रस हम पढ़ेंगे, और हो सकता है एक आध दो PPT इस तरीके से मैं लेकर आऊँ, बाकी फिर हम उसी अंदाज में फटाफट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।